तो आप प्रेगनेंसी के दौरान थ्रू आउट प्रेगनेंसी फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड फेशियल ब्लीच एंड हेयर कलर वगैरह से बिल्कुल बच के रहें या बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। सो आज आप मेरा एक नया अवतार देख रहे हो मेरे नए हेयर कट के साथ में। सो आज ही मैंने ये हेयर कट लिया है और मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी, बट ये वीडियो आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान हम सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं, जैसे कि पार्लर जाना, फेशियल कराना, वैक्सिंग कराना, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, इस तरह की जो चीज़ें होती है जैसे कि हेयर कलर हो गया, हेयर टचअप हो गया, हेयर कट हो गया, तो पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं पार्लर वाली सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड, ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कौन से मंथ में कर सकते हैं या फिर कौन से वीक से स्टार्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के, बड़ी सारी कन्फ्यूजन थी लोगों को। तो मैंने सोचा चलो अब जा करके इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाया जाए और आपके साथ में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो चलो बिना किसी देर के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे एल्डर्स हमें बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ये नहीं करो, वो नहीं करो, हेयर नहीं कट करवाओ, फेशियल नहीं करवाओ और वैक्सिंग नहीं करवाओ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो बोलते हैं हमारे एल्डर्स, इसमें तो काफ़ी चीज़ें मिथ हैं। बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बताती हूँ कि मिथ होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं, बट उसका जो रीज़न होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि सपोज अगर मैं वैक्सिंग की बात करूँ, फेशियल की बात करूँ या फिर हेयर कलर की मैं बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रेगनेंसी के दौरान थ्रू आउट प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल नहीं होती। इसमें जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होते, बहुत सारा केमिकल होता है उसमें, ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, बहुत सारे केमिकल कलरिंग एजेंट होते हैं उसमें, जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है इसमें इतने सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला सेंसिटिव स्किन हो जाती है। तो ऐसे में आपको कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप चाहो तो आपके स्किन को थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट देने के लिए, सेल्फ पैम्परिंग के लिए आप घर में उपटन बना सकते हो नेचुरल चीज़ों का, लेप बना सकते हो, मास्क बना सकते हो और इस तरह की चीज़ें आप बना करके उसे अपने स्किन पर, अपने फेस पर, अपने हाथ पर या फिर बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो। अब हेयर कलर करने की बात की जाए तो जो मार्केट में हेयर कलर होते हैं या फिर आप हेयर टचअप करवाते हो, हाईलाइट करवाते हो, ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमोनिया कंटेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो कि अच्छे सलोन में अगर आप जाओगे तो वो खुद ही आपको मना कर देते हैं कि आप मत करवाइए, अभी आप प्रेग्नेंट हो, और अगर आप करवाना चाहते भी हो, है ना, आपको बिल्कुल एसेंशियल है कि नहीं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको बिल्कुल हेयर टचअप की ज़रूरत ही ज़रूरत है और इसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो अच्छी क्वालिटी का जो हेयर कलर आता है, जो मैं यूज़ कर रही थी कुछ दिन पहले तक, एसेंसिटी ब्रांड था, मैं लैक्मे में ये कलर करवा रही थी। वैसे तो बोलते हैं कि वो अमोनिया फ्री कलर है, बिल्कुल भी केमिकल उसमें नहीं होता, बट सैलून में जो मेरी हेयर एक्सपर्ट है उन्होंने ये कहा कि कितना भी अच्छा आप कलर यूज़ कर रहे हो, कितना भी अमोनिया फ्री कलर आप यूज़ कर रहे हो, महंगे से महंगा कलर आप यूज़ करो, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज केमिकल के होते ही होते हैं, जो किस तरीके से आपकी बॉडी में जाकर के रिएक्ट कर सकते हैं पोर्स के जरिए ये हम नहीं कह सकते, तो आप बेटर है कि आप ना करें। कुछ दिन तक मैंने टचअप वगैरह करवाया यहाँ सेंटर पार्टी में, थोड़े बहुत मुझे ग्रे हेयर थे करवाया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया, नहीं भाई नहीं करवाना है। बहुत ज्यादा नीड है तो आप करवा सकते हो, तो आप फेशियल, फेस ब्लीच, फेस मसाज, हेयर कलर, हेयर टचअप और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इनसे आप बिल्कुल से बच करके रहें थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें केमिकल बेस्ड होती हैं और आपकी स्किन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, स्मेल से प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जिसमें केमिकल होता है उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन पे कुछ अलग तरीके के रिएक्शन आ सकते, हो सकता है कि आप कुछ और सोच करके चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो और उसका कुछ और ही रिजल्ट आपको देखने को मिले, तो चीजें वर्स्ट हो सकती है, तो इट्स बेटर कि आप इसे अवॉइड करो। ऑल्सो अपर लिप एंड थ्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो अपर लिप एंड थ्रेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर वो पोर्स के अंदर जाए या फिर आपको स्मेल से प्रॉब्लम हो, इरिटेशन हो। इसमें सिंपल थ्रेड के थ्रू थ्रेडिंग करी जाती है अपर लिप्स में एंड आईब्रोज में, तो आप चाहो तो करवा सकते हो। मेक श्योर कि जो भी पर्सन आपका अपर लिप एंड थ्रेडिंग कर रहा है उसने अच्छे से अपने हाथ क्लीन किए हैं, सैनिटाइज किए हुए हैं, जिससे कि ये जो हैंड से बैक्टीरियाज वगैरह ट्रांसफर होते हैं ना स्किन पे, ये आपके स्किन पे ट्रांसफर नहीं होंगे। अब अगर हेयर कलर नहीं करना है तो क्या मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने पूछा,
तो आजकल जो मेहंदी मार्केट में मिल रही है ना, जो बालों के लिए आती है लेडीज हो या जेंट्स जो भी यूज करते हो, तो वो एक्चुअली प्योर नहीं होती है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल होता है, तभी वो आपकी ग्रे हेयर कम्प्लीटली कलर कर पाती, कवर कर पाती है। ये दोनों ही चीज अनसेफ है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि नेचुरल डाई प्रोवाइड करते हैं, उसे आप यूज कर सकते हो। इंडिगो डाइज होती हैं, जिसे मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी डिटेल्स होगी मैं शेयर कर दूंगी, तो वो चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है तो। अब बहुत सारे व्यूअर्स ने ये भी पूछा है कि क्या हम लेग पर और हैंड पर वैक्सिंग करवा सकते हैं या फिर बॉडी वैक्स करवा सकते हैं क्या, तो इसके लिए तो मैं स्ट्रेट आपको नो कहूंगी, बिल्कुल बड़ा वाला ना कहूंगी। ये मेरे गायनों ने भी मुझे बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था, स्पेशली वैक्सिंग के बारे में, कि क्यों हम वैक्सिंग नहीं करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारी जो नई मसल्स होती है ना वो बन रही होती है, टूट रही होती है, बन रही होती है, टूट रही होती है, क्योंकि हम एक नई लाइफ को जनरेट कर रहे हैं, डेवलपमेंट उसका चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी स्किन में भी ये सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व करी क्लियरली कि कुछ लोगों में प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर अच्छे हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ की स्किन बहुत ग्लो करने लगती है, कुछ की स्किन बेहद खराब हो जाती है, तो ये इसका ही रीजन होता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपके स्किन पर हेयर पर दिखाई देती हैं। हाँ, शुरुआत के डेज में लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू कैन ट्राई है ना, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप कम्प्लीटली इसे अवॉइड करें, क्योंकि अभी आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है खिंचाव के कारण, क्योंकि वैक्सीन में खिंचाव होता है, चाहे आप रोल ऑन वैक्सीन करवाइए, चाहे आप नॉर्मल वैक्स करवाइए, कोल्ड वैक्स करवाइए, है ना, उसमें खिंचाव होता है आपकी स्किन पर, जब वो पुल आउट करते हैं स्ट्रिप तो खिंचती है स्किन, और क्योंकि वो वैक्स है तो वैसे ही स्किन पे थोड़ा सा तो इरिटेशन होती ही होती है। नॉर्मली भी बहुत सारे लोगों को रेडनेस या फिर इचिंग हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है कि आप ये चीज करवाओ, और टमी पे तो आप ये चीज बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन नहीं करवाएं तो हम क्या करें, हमारे हाथ पैर के बाल बहुत गंदे लगते हैं जो आ जाते हैं, तो आप चाहो तो आप अच्छी क्वालिटी का रेजर यूज कर सकते हो। मैं वीनस ब्रीज रेजर यूज कर रही हूँ और ये मुझे मेरी ही डॉक्टर ने रेकमेंड किया। इनफैक्ट आप इसका यूज आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर को भी रिमूव करने में कर सकते हो, जो वजाइना के अराउंड जो हमारे हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर जिसे हम बोलते हैं, उसे भी आप रिमूव कर सकते हो इस रेजर की मदद से। अब सेल्फ ग्रूमिंग में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हेयर कट का, जो कि बहुत सारी लेडीज कंफ्यूज रहती हैं, उनके पेरेंट्स ने, उनके घर वालों ने बोला है कि नहीं प्रेगनेंसी में बाल नहीं कटवाते हैं, बालों में सीजर नहीं लगवाते, इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ भी नहीं आया कि क्यों नहीं करवाते हैं ना। अगर हम अच्छे सलोन से करा रहे हैं हेयर कट, तो डेफिनेटली हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा हैंड टू हैंड या फिर माउथ टू माउथ, और हाइजीन रखेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे। तो आप चाहो तो आप हेयर कट करवा सकते हो। मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी के 8th month में हेयर कट करवाया, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है हेयर कट करवाने के लिए। प्रेगनेंसी के जस्ट बाद से ही आपका जो हेयर फॉल होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है होना, और जब तक बच्चा आपका फीड करता है, मतलब कि वो 1.5 ईयर फिर 2 ईयर्स का नहीं हो जाता है, तब तक आपके जो बाल है वो कंटिन्यूअस गिरते रहते, हेयर फॉल होता ही रहता है, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है। एंड लेटर मैंने डिसाइड किया कि मैं हेयर कट करवा लेती हूँ, कितनी भी केयर करेंगे हेयर फॉल होता ही होता है, तो मुझे उतना ज्यादा पेन नहीं होगा, उतना ज्यादा बाल बिखरे हुए नहीं दिखेंगे, जितने कि लंबे बाल जब टूटते हैं गिरते हैं और वो दिखाई देते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेकअप भी। ऑफकोर्स ये जो मेकअप है नेचुरल तो होते नहीं है ना, और कुछ ना कुछ केमिकल सारे मेकअप में होता है, लिपस्टिक में, फाउंडेशन में, बेस में, नेल पेंट में, एंड एवरीथिंग। तो ओकेजनली आप मेकअप कर सकते हो, है ना, और ये सारे ही तरह के जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं, किसी भी ब्रांड के हो, किसी भी कंपनी के हो, कितने भी महंगे हो, प्रेगनेंसी के दौरान यूज करना सही नहीं होता है। अगेन वही चीज बोलूंगी कि आपकी स्किन पे क्या प्रोडक्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका क्या असर हो रहा है, और उसके बाद जब आपको पिंपल्स आएंगे, पिगमेंटेशन आएगी, या फिर कहीं कोई स्कार आ गया, तो आप बोलोगे ये क्या हो रहा है हमारे चेहरे पे। और नेल पेंट वगैरह भी अगर आप लगाते हो तो ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली नेल पेंट रिमूव करते हो, लगाते हो, अप्लाई करते हो, बार बार ऐसा करते हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो। तो नेल पेंट वगैरह अगर आप बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, लिपस्टिक वगैरह बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा क्रीम वगैरह आप लगा रहे हैं जिसकी जो स्मेल है थोड़ी सी ऑड है, जनरली होती है मेकअप प्रोडक्ट की स्मेल थोड़ी अजीब होती है, तो हो सकता है उससे आपको थोड़ी इरिटेशन हो या फिर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है।
तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन चीजों में केमिकल अवेलेबल है, आपको पता है कि इसमें केमिकल मिला हुआ है, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसे यूज करने का कोई फायदा नहीं है, उसके बारे में सोचने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सीधे सीधे ये जो प्रोडक्ट है आपको नुकसान पहुंचाने वाले, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स का बेबी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ आपको हर्ट करते हैं। और आप जब हर्ट होते हो तो आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, और जब बहुत सोचते हो तो उसका असर आपकी प्रेगनेंसी पर भी पड़ता है। सो गाइस, दिस इज इट, एंड आई एम श्योर आज का जो वीडियो था आपको हेल्प जरूर करेगा। और चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।